नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा में सामने आया एक और जालसाज, मनी ट्रांसफर के नाम पर चेक लेकर की धोखाधड़ी। पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में पीड़ित था परेशान। जालसाज ने 5 लाख के चेक वापस न करने के एवज में ले लिए 15 लाख रुपए, 3 गुनी राशि वसूलने के बावजूद कर दी थी शिकायत। रीवा के हालात पिछले कुछ दिनों से बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रशासन बाप बड़ा न भैया यारो सबसे बड़ा रुपया की तर्ज पर सरेआम करवा रही अपराध है। रीवा के रथरा निवासी राजीव कुमार मिश्रा, जो कि रथरा में राजीव किराना एवं जनरल स्टोर नाम की दुकान संचालित करते हैं, रथरा वार्ड क्रमांक 15 निवासी सत्येंद्र मिश्रा, जो कि मनी ट्रांसफर का कार्य करता है, उसके द्वारा पीड़ित को 5 लाख रुपए चेक के एवज में दिए गए थे, जिसमें पीड़ित ने लगभग 15 लाख रुपए नकद किश्तों में फोन पे व अन्य माध्यम से सत्येंद्र मिश्रा को दिए थे। सत्येंद्र मिश्रा खुद व्यवसायी है व रथरा वार्ड क्रमांक 15 में ही रतन किराना नाम से दुकान संचालित करता है। परंतु लालच, बेईमानी व साहूकारिता से प्रेरित सत्येंद्र मिश्रा ने पीड़ित का चेक लगाने की धमकी देनी शुरू कर दी। पीड़ित ने कई बार समझाइश भी दी, परंतु रतन किराना स्टोर रथरा के संचालक सत्येंद्र मिश्रा ने पीड़ित की बात नहीं मानी व करीब 1 माह पूर्व किराए के गुंडे लेकर राजीव कुमार मिश्रा के गृह ग्राम पहुंचकर गाली गलौज करने लगा। लगभग 7 की संख्या में आए बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देते हुए पिस्टल दिखा रहे थे। तभी कोस्टा निवासी राजीव तिवारी व ब्रजेश तिवारी मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया था। परंतु लालची साहूकार सत्येंद्र मिश्रा ने थाना सिटी कोतवाली जाकर राजीव कुमार मिश्रा की झूठी शिकायत कर दी। दूसरे दिन थाना प्रभारी सिटी कोतवाली द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर मामले की जांच की तो पीड़ित को सही पाया व दोनों पक्ष को समझाइश देकर विदा कर दिया। लेकिन सत्येंद्र मिश्रा अपनी हरकत से बाज नहीं आते हुए झूठी शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक रीवा के पास जाकर फर्जी मनगढ़ंत आधार बनाकर कूट रचना करते हुए बाजोर ताकत पीड़ित को परेशान कर रहा व कुछ समाचार पत्रों में झूठी खबरें भी चलवाई है। क्या साहूकारिता अधिनियम की परिधि में सत्येंद्र मिश्रा नहीं आते? आखिर प्रशासन क्यों नहीं कर रही कार्यवाही, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार साहूकारिता करना, ब्याज वसूलना व अन्य आर्थिक कृत्य जिनका कोई वैध कानूनी मान्यता न हो, ऐसे व्यक्ति को शीघ्र गिरफ्तार कर धारा 420, 467, 468, ASC, C-456B के तहत गिरफ्तारी के नियम हैं। पर रीवा में मालदार की मालदारी के समक्ष सब नतमस्तक हैं। वर्दी की तो महिमा ही निराली है, हरे नोट देखकर वर्दी भी दिन दहाड़े ना देखने का कृत्य कर देती है। नवनीत भसीन की छुरी को उनके माथा ताए दिन बट्टा लगा रहे। रीवा संभाग ब्यूरो, राजीव तिवारी की रिपोर्ट। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? हमारा राजीव कुमार मिश्रा। ये क्या मामला है आपका? लेन देन का कोई मैटर है जो जिसकी शिकायत सामने वाला बार बार कर रहा है, इसका क्या है इशू? क्या है ये सत्येन शर्मा जो है, रतन शर्मा, हाँ, रतन किराना के नाम से इनकी रतारी में दुकान है वार्ड नंबर 15 में। हाँ, इन्होंने ये मनी ट्रांसफर का काम करते हैं। अच्छा, ये हमको पेमेंट देते थे और लेते थे, ये ट्रांसफर करते थे, मैं उनको अपनी दुकान से कैश दे देता था। जी, क्या हुआ कि इन्हें इसी, जब मैं इनको पैसा देता था तो मतलब हमारा ट्रांसफर कर देते थे पैसा, आके मेरी दुकान से पैसा ले जाते थे। अच्छा, अब उसके बाद जो भी उनकी रकम बची तो करीब 22 तारीख को, 22 दिसंबर को जी, मैंने जी। उनका पूरा पेमेंट कैश करीब 3.5 लाख रुपये अपने काउंटर में बैठा के 5 लोगों के सामने दिया। अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद जब हमने उनसे मांगा कि भाई आप मेरा चेक वापस कर दीजिए, तो उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, वो कोई एल्टीना कंपनी जहां आपका चेक रखा हुआ है, मैं वहां से लाके आपको चेक देता हूं। उसके बाद 1 तारीख को जाके थाने में शिकायत कर दी हमारी कि भाई, किसने शिकायत की? आपने की? सत्येंद्र शर्मा ने शिकायत कर दी आपके विरुद्ध, हमारे विरुद्ध, कि भाई हम वो मेरा पेमेंट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तब मैंने उनसे मिला कि भाई आप को तो मैंने पेमेंट दे दिया, फिर आप किस बात की शिकायत कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आपका चेक है मेरे पास, आप पेमेंट देते तो आपका चेक आपके पास होना चाहिए। मैंने कहा ये तो गलत बात है भाई, जब आपने पेमेंट ले लिया तो मेरा चेक दे दीजिए ईमानदारी के साथ। उन्होंने मेरा चेक नहीं दिया, फिर उन्हें दोबारा शिकायत की, जिसके बाद मुझे थाने में बुलाया गया। कौन से थाने में बुलाया गया था? किसने बुलाया था आपको? थाना प्रभारी साहब ने हमें बुलाया था। क्या नाम है थाना प्रभारी का, आप जानते हैं? सिंह साहब थे कोई। अच्छा, उन्होंने बुलाया, मैंने उनको पूरी चीज़ बताई, और जब बताई तो उन्होंने बढ़िया मेरा सहयोग किया और उन्होंने बताया कि भाई आप पेमेंट देगा, इस तरह का काम ना करिए। और वहाँ से दोनों लोगों को बोले मिल पट के रहिए, आपको आपका पेमेंट मिल गया है, उनको उनका चेक वापस कर दीजिए।
लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर मेरा एक वीडियो वगैरह बनाया और पेपर वगैरह निकलवाए कि भाई आपका पेमेंट नहीं दे रहे, जबकि सत्य। भाई साहब आप प्रशासन से क्या चाहते हो, प्रशासन आपकी क्या मदद करेगा? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि जो हमने उनको रकम दी है वो पैसा वो एक्सेप्ट करें और हमारा चेक वापस दिलाया जाए। तो रकम का एक्सेप्ट करना तो आपका उनका व्यक्तिगत संबंध था, प्रशासन से आप कौन सी मदद चाहते हैं? प्रशासन से ये मदद चाहते हैं कि भाई जो उचित हो जांच होनी चाहिए, इसकी मामले की जांच, जांच हो, सत्यता पता चल जाएगा। और उसके उसके बीच में करीब उनसे मेरे को 11 लाख रुपए लेना है, जो कि मैं फोन पे से डाला हूँ, उसके पूरे मेरे डॉक्यूमेंट है जी जी। राजीव किराना एवं जनरल स्टोर के नाम से पेमेंट गया। अब उसके बाद उन्होंने मुझे एक दिन ऑफर दिया था कि भैया आप ऐसा करिए कि मैं बाजार का पैसा काफी ज्यादा लगता हूँ। अच्छा अच्छा। सत्येन शर्मा ने, हाँ। तो आप ऐसा करिए कि कह दीजिए, आप पैसा मत दीजिए, कह दीजिए कि भाई मैं 6 महीना पैसा नहीं दूंगा, जिससे मैं जिन लोगों को पैसा लिया हूँ उनसे मुझे समय मिल जाए। अच्छा। मिल जाए देने का, ये वो पैसा लिए है। अच्छा, वो तो करीब बाजार से 50 लाख रुपए लिए हुए हैं। अच्छा, अच्छा। मेरे नाम पर जी, लेकिन ये सत्यता नहीं है। हमारा उनका सिर्फ लेन देन 5 लाख चेक बस का। अच्छा, हाँ। भाई साहब मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि क्या आप ये इनको 5 लाख रुपए के एवज में कितने पैसे आप दे चुके हो? मेरे से वो 5 लाख के एवज में कम से कम 15 लाख रुपए ले चुके हैं। तो ये साहूकारिता अधिनियम के तहत सही है क्या? नहीं। तो आपके उनका ऐसा कोई कमिटमेंट लिखित में है? नहीं, वो उनका चेक होने के बाद वो मुझे ब्लैकमेल किए, मेरे ऊपर दबाव प्रेशर बना रहे थे, क्योंकि मैं बीच में काफी परेशानी था और मेडिकल प्रॉब्लम भी थी हमारे यहाँ। तो कहीं न कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके साथ 420 हुआ, 420, 467, 468 हुआ, 420 ही की मेरे पास जी। दबाव प्रसर बनाए, हमको ब्लैकमेल भी किया, मेरे बहुत सारा पैसा राजीव किराना एवं जनरल स्टोर से उन्होंने निकाला है। अच्छा, 40 लाख रुपए मेरे खाता से डेबिट हुए हैं सत्येन शर्मा के खाते में। ओह हाँ, जिसमें हमारा उनका लेन देन काफी कम था, लेकिन चूंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं था और उनके हमारे मधुर संबंध थे, जिसके कारण मैं उनको चेकबुक वगैरह दे के रखा था। अच्छा। और उसी बीच जब मेरे पास मेडिकल प्रॉब्लम आई, मैं नागपुर निकल गया, तो उन्होंने मेरे खाते से करीब 40 लाख रुपए डेबिट किए, जिसके हिसाब किताब करने के बाद उनके बाद भी जो मेरा 2-3 लाख रुपए बचा था मैंने उनको पैसा दे दिया। जब मेरे पैसे की बारी आई तो उन्होंने कहा मैं साधना इंटरप्राइज में लगा के रखा हूँ आपका पैसा, समय आने पर मैं दे दूंगा, चेक भी वापस कर दूंगा, आपकी बची हुई रकम भी दे दूंगा। लेकिन जब बची रकम लेने की बारी आई तो तड़काने लगे और लास्ट में मेरा पैसा देने से इनकार कर, जबकि अभी 11 लाख रुपए करीब सत्येन शर्मा से हमें चाहिए, राजीव किराना एवं जनरल स्टोर को चाहिए। जब मैंने इस तरह से उनसे किया तो वो मेरे को ब्लैकमेल करने लगे, बोले मैं न्यूज में आपका इश्तिहार निकलवाऊंगा, पेपरबाजी करने लगे और अन्य लोगों से धमकियां भी दिलवा रहे हैं। तो राजीव जी ये बताइए कि सबसे पहले तो अपन ये जानना चाहेंगे कि क्या आपके शॉप में अभी कोई ऐसी वारदात उनके द्वारा की गई है? नहीं, बीच में उन्होंने मेरे पास कुछ असामाजिक लोगों को भेजा था। अच्छा। है ना, लेकिन मैं चूंकि अकेला आदमी हूँ, मैं व्यापारी आदमी हूँ। अच्छा, और जिस तरह से वो लोग मेरी छवि को धूमिल कर रहे हैं, तो मैं इसलिए दबा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। और जो पैसा नहीं, व्यापारी बंधु भी मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, भैया जब से वीडियो वायरल हो गया आप मेरा पैसा दीजिए, आप मेरा पैसा दीजिए। और चूंकि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, जिसके कारण मैं रुका हुआ हूँ, और हो गया जो मेरा अगला कार्रवाई मैं करूँगी, इस्तीगासा वगैरह मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है राजीव जी, तो आपने इनकी ये शिकायत, जो आपका मैटर है, इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की? मैं सिटी कोतवाली में 7-2 को किया था। 7-2-23 जी, 7-2-23 को मैंने पूरी जानकारी विधिवत बताई थी। ऐसे ऐसे मेरी रतन शर्मा से जानकारी संपर्क हुआ, ऐसा ऐसा मैंने उनको पेमेंट किया, इस तरह से मेरा पेमेंट नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला इसकी जांच की जाएगी और जो सत्यता होगी वो आपको बताएगा। ठीक है राजीव जी, आपसे बात करके हमें आपके इस केस की पूरी जानकारी मिली है। मैं अब कैमरा